नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI ज्ञान भाई विनोद सर में। आज मैं एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें आपको सेकेंडरी सेल यानी द्वितीय प्रकार का सेल जो कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सके, लेड एसिड बैटरी के विभिन्न पार्ट्स एवं उनके कार्यों को बताऊँगा, उनकी पहचान कराऊँगा। तो आपके सामने यह एक लेड एसिड बैटरी है जो अमरोन कंपनी की बनी हुई है। इसकी एम्पियर आवर रेटिंग 30 AH है, यानी 30 AH है। इसके विभिन्न भागों की ओर चलते हैं तो ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, जो आपके सामने दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको कंटेनर बोलते हैं। ये कंटेनर हार्ड रबड़ का बना होता है जिसे रबड़ में सल्फर मिला कर के बनाया जाता है। इसके ऊपर ये जो होल दिख रहा है ये वेंट प्लग कहलाता है। इसकी मदद से अंदर बनने वाली जो गैसें होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है और गैसिंग प्रक्रिया को संपन्न कराता है। ये और भी छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, इन छिद्रों से हम इस बैटरी में आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोलाइट या डिजिटल वाटर डाल सकते हैं। सबसे पहले इन दो टर्मिनलों की तरफ ध्यान दे लेते हैं। ये टर्मिनल एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तथा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। अगर इसको अगर खोल लिया जाए इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपके निकले हुए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। इसके बाद कुछ अंदर की संरचना इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अंदर आपकी प्लेटें पड़ी हुई हैं। ये प्लेटें स्पंजी लेड व लेड पराक्साइड की होती हैं। लेड पराक्साइड की प्लेट धन प्लेट कहलाती है व स्पंजी लेड नेगेटिव प्लेट कहलाती है। इस बैटरी में नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से अधिक रखी जाती है, यानी नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों से एक अधिक होती है। नेगेटिव प्लेटों को जोड़ने के लिए आपस में कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, जो ये पत्ती दिख रही हैं इनकी मदद से हम प्लेटों को जोड़ते हैं। ये पत्तियां दिख रही हैं। इन प्लेटों के बीच में ये प्लास्टिक का सेपरेटर लगा हुआ है जो दोनों प्लेटों को शॉर्ट सर्किट होने से या लघुपतित होने से बचाव करेगा और शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो दोनों को ये अलग करेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ अलग है। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए 3:1 में सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी को मिलाया जाता है। लेड एसिड बैटरी को हम एक बार डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी सेल होता है। इस सेल की एम्पियर आवर जो एफिशिएंसी है वो 90 से 95% होती है व वाट आवर एफिशिएंसी 70 से 80% होती है। ये पर सेल 2.2 वोल्टेज तक सप्लाई कर सकता है, डीसी सप्लाई प्राप्त कर सकता है या दे सकता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को डीसी में चेंज करता है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है।